दोस्त, अगर आज की वीडियो आग ना लगा देना तो कमेंट में लिख देना और चैनल को छोड़कर चले जाना। लेकिन अगर आग लग जाए तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना। दोस्त, यूपीएससी की परीक्षा हर साल 10 लाख स्टूडेंट्स देते हैं। क्या उनमें से हर कोई आईएएस बन पाता है? क्या उनमें से हर कोई यूपीएससी क्लियर कर पाता है? करना तो हर कोई चाहता है, पास हर कोई होना चाहता है, लेकिन क्या हो पाता है? नहीं। हर कोई सपना तो देखता है लेकिन यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाता। सिर्फ करते हैं 0.2%। अरे कौन है ये 0.2%? कहां से आते हैं? यूपीएससी का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन ये 0.2% स्टूडेंट्स वो हैं जिनके लिए यूपीएससी एक सपना नहीं, जिद है। क्योंकि सपना तो टूट भी सकता है, लेकिन जिद सामने वाले को तोड़ देती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ सपना देखते हैं, सपनों में खो जाते हैं। भाई, यूपीएससी में जोश के साथ होश दिखाना पड़ता है। ऐसे ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक कीमत चुकानी पड़ती है, एक जिद पालनी पड़ती है। जो सह गया वो बन गया। ये 0.2% में वही आएगा जो जिद करेगा। दशरथ मांझी बड़ी परेशानी में थे, आप सब जानते हैं। उनकी पत्नी को लेवर पेन था और हॉस्पिटल ले जाना था, लेकिन एक पहाड़ बीच में आ गया, 55 किलोमीटर का पहाड़, जिसे वो अपनी पत्नी को पार नहीं करा सके। उनकी पत्नी ने वही दम तोड़ दिया, वही उन्होंने एक जिद पाली। 22 साल के अंदर 55 किलोमीटर का पहाड़ खुद ने अकेले दम पर मात्र 6 हथौड़ी से तोड़ दिया। अरे 22 साल लग गए उसे तोड़ते तोड़ते। तू अपनी सोच, तूने कितनी पढ़ाई कर ली? 2 साल, 3 साल, अरे कितने अटेम्प्ट दे दिए? 1, 2, 4। दोस्त, उस व्यक्ति का नाम इतिहास में दर्ज है, और ये 0.2% भी ऐतिहासिक होते हैं। जिद पालनी पड़ती है दोस्त, जिद। एक छोटा बच्चा अपने फर्स्ट ईयर में नेशनल अकेडमी मसूरी पहुंचा, तो उसे ट्रेनिंग देखने से वहां के गार्ड ने मना कर दिया। चाहता तो वो गार्ड को भला बुरा कह सकता था, लेकिन उस बच्चे ने एक जिद पाली कि जल्द आऊंगा आईएएस बनकर। अरे उसके पूरे खानदान में, खानदान तो छोड़ो पूरी कॉलोनी में, अरे कॉलोनी तो छोड़ो पूरी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट तो छोड़ो पूरे राज्य में कोई आईएएस नहीं बना था। लेकिन वो बच्चा पूरा जिद्दी था, जिद पाली थी उसने। हर विषम से विषम परिस्थिति को चीरते हुए वो आईएएस बना। हाँ, छत्तीसगढ़ का पहला आईएएस श्री ओपी चौधरी जी। बस बात इतनी सी है, जिसमें जिद होगी वो कर जाएगा, वो बन भी जाएगा। अरे नौकरियां तो बहुत है, लेकिन आईएएस को चुना क्योंकि मैं जिद्दी हूँ। सबके लिए, अपनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए यूपीएससी क्लियर क्या, यूपीएससी में टॉप करूंगा क्योंकि मैं जिद्दी हूँ। अरे कह दो परिस्थितियों को और थोड़ा खराब हो जाए, कह दो चुनौतियों को थोड़ा और कठोर हो जाए, क्योंकि उनसे टकराने एक जिद्दी आ गया है। अरे ये यूपीएससी भी जिद्दी है, नेशनल अकेडमी का रास्ता भी जिद्दी है। अब मजा आएगा क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी है। क्यों ना जिंदगी को एक बार खुलकर जी लिया जाए, सोना तो मौत के बाद भी है, क्यों ना कलेक्टर बनकर ही जिया जाए। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, भटके तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। सितारे तो आसमान में भी चमकते हैं, सितारे तो आसमान में भी चमकते हैं, जिद तो बस इतनी सी है कि इन्हें अपने कंधों पर सजाना है। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। जिद तो इतनी पक्की है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्त, यूपीएससी क्लियर नहीं, यूपीएससी टॉपर बनना है। ऐसी जिद पालो कि निशाना चूक भी जाए तो सितारे तो कंधे पर सजे ही। बात समझ आ गई हो तो कमेंट में आज लिख कर ही जाना कि यूपीएससी मेरा सपना नहीं, जिद है। ऐसी वीडियो हमेशा पाने के लिए नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाना, बेल आइकन के साथ में। हम लोग इतिहास जरूर रचेंगे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो उस व्यक्ति के साथ जिसके लिए यूपीएससी सपना नहीं, एक जिद है। मिलता हूं अगली वीडियो में। बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड।